यूनिट निशुल्क बिजली देने का विधायक जोरगेवार ने जनता को दिया आश्वासन पूर्ण न करने पर महाराष्ट्र राज्य समाजवादी पार्टी ने डफली बजाओ आंदोलन करते हुए उनका निषेध दर्शाया। महाराष्ट्र राज्य समाजवादी पार्टी जिला चंद्रपुर की ओर से डफली बचाओ आंदोलन कर विधायक किशोर जोरगेवार इनके जनसंपर्क कार्यालय पर हल्ला बोल किया। 200 यूनिट बिजली माफ करने का आश्वासन किशोर जोरगेवार ने सत्ता में आने से पहले 200 यूनिट बिजली माफ करने का आश्वासन जनता को दिया था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद भी विधायक ने अपना यह वादा पूर्ण नहीं किया है। इस बात को लेकर जनता में नाराजगी है और इसी का निषेध दर्शाने डफली बचाओ आंदोलन के माध्यम से नागरिकों ने अपना रोष व्यक्त किया। इस संदर्भ में विविध फलक हाथ में लिए नागरिक जमकर नारेबाजी कर रास्ते से गुजर रहे थे। 200 यूनिट निशुल्क बिजली होनी ही चाहिए, 200 यूनिट निशुल्क दे या तो कुर्सी खाली करे, कोरोना काल का बिजली बिल माफ करे, दिया शब्द कब पूर्ण होगा, जनता को दिया गया शब्द कब पूर्ण होगा, चुनकर आने के बाद 200 यूनिट का प्रचार कहां, इन आदि मांगों के फलक लेकर जमकर नारेबाजी कर विधायक किशोर जोरगेवार इनके जनसंपर्क कार्यालय पर नागरिक पहुंचे। इतना ही नहीं तो अपनी न्यायिक मांग को लेकर विधायक किशोर जोरगेवार इनके जनसंपर्क कार्यालय के बैनर पर विधायक जोरगेवार इनके पोस्टर पर गुस्साए नागरिकों ने स्याही पोत कर निषेध प्रदर्शन किया। इस स्थिति को नियंत्रण में लेने यहाँ पुलिस भी मुस्तैद थी। इस निषेध प्रदर्शन दौरान यदि एक महीने के भीतर इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं होती है तो इससे भी तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा इस समय दिया। हमारा डफली बचाओ आंदोलन हमने किए, इससे पहले अहमदाबाद साहब को हमने दो निवेदन सौंपा था, तो उन्होंने हमें एक निवेदन में आश्वासन दिया था क्या दिवाली अधिवेशन जो नागपुर में होता है, मैं उसमें मुंबई में होने में आया, वहाँ पे इस विषय में चर्चा करूँगा। तो 23 दिसंबर को मैंने एक निवेदन सौंपे उनसे, उसका जवाब मांगा तो उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया कि विद्युत बिल के विषय में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। तो हमारी एक ऐसी मांग है कि जिस मुद्दे पे आपको विधायक बनाया गया, जिस मुद्दे पे आपको आमदार बनाया गया, अगर आप वो मुद्दे को छोड़ के बाकी और कार्य करते हैं तो चंद्रपुर की जनता के लिए और हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट के मुद्दे पे ही आमदार बनाया गया, तो आप 200 यूनिट के ही लिए जो है ऊपर विधानसभा में और मुख्यमंत्री से चर्चा करें, अन्यथा अगर एक महीने के अंदर में मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी की ओर से मैं इनके इस्तीफा के लिए एक और आंदोलन करूँगा।